हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे चैनल सिविल इंजीनियरिंग अपडेट्स में। चलिए बात करते हैं आरआरबी जेई सीबीटी का रिजल्ट कब तक आ सकता है। जैसा कि फ्रेंड आपको पता है कि आरआरबी जेई सीबीटी 2 के रिलेटेड काफ़ी सारी अफवाहें चल रही हैं और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मतलब इसका रिजल्ट है वो 20 को आ जाएगा, 21 को आ जाएगा, 22 को आ जाएगा, लेकिन अभी तक आरआरबी जेई का रिजल्ट नहीं आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसका कोई वैलिड रीज़न नहीं है। बहुत सारे न्यूज़ वालों ने बोला था कि इसका रिजल्ट 20 को आ जाएगा, तो यूट्यूबर्स ने 20 तारीख का भी बताया हुआ था, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं दिया है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो आरआरबी जेई है वो रिजल्ट कब तक जारी कर सकता है। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आरआरबी जेई से रिलेटेड और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट न्यूज अपने इस चैनल पर डालता रहता हूँ। तो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आरआरबी जेई का रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी जेई ने फाइनल आंसर की कि ऑब्जेक्शन राइज करने के लिए जो बोला था वो भी प्रोसेस पूरा हो चुका है और रिवाइज आंसर की आरआरबी जेई द्वारा अपलोड कर दी गई थी। यह कब अपलोड की गई थी? 10 अक्टूबर को अपलोड कर दी गई थी, जिसमें जो भी आंसर की थी उसको आप 10 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक देख सकते थे। तो फ्रेंड, मेन बात है कि आरआरबी जेई का रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो फ्रेंड, आपको पता है कि नेक्स्ट वीक में अपना दिवाली है, ठीक है, और उससे पहले रेलवे का स्टाफ काफ़ी बहुत सारा स्टाफ वो घर पर जाने वाला है, और जो घर पे जाएगा वो स्टाफ उसको एक कम से कम 3-4 दिन का छुट्टी लेगा, वो दीपावली के बाद ही आएगा। तो मुझको लगता है कि जो रिजल्ट है वो तो आपका 25 से पहले आ जाना चाहिए। देखिए, 22 से लेकर 25 के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। 22 तारीख से लेकर 22 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो फ्रेंड, आप लोग 2 दिन वेट कीजिएगा, 2 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाना चाहिए जैसा कि हमको आइडिया लग रहा है। तो फ्रेंड, आप इस थोड़ा सा 2 दिन वेट कीजिए, रिजल्ट 2 दिन के अंदर जारी कर दिया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड।